हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महारानी जी जाकर मंत्री जी को मेरे पास बुलाकर। बहुत अच्छी बात है महारानी जी, अभी मंत्री जी को बुलाकर लाता हूं। महारानी जी बात क्या है, क्योंकि आपने इस वक्त अपने गुलाम को याद किया है। मंत्री जी आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया है। और आपने क्यों बुलाया महारानी जी? क्या है जरूरी भाई बता दीजिए। तो क्या करूं आपकी खिदमत मैं रानी जी, क्या करूं आपकी खिदमत मैं रानी जी, और कुछ तो फरमाइए। महारानी जी कौन सा ऐसा जरूरी काम है बतलाइए आप। मंत्री जी आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं आप? मंत्री जी इस समय 8 है बज चुके। ऐसा लगता है गहरा कोई राज है, ऐसा लगता मंत्री जी इस समय 8 बजने वाले हैं।
मेरे स्वामी जी अभी तक सोकर उठे क्यों नहीं, ये मैं जानना चाहती। महारानी जी, और साह को क्या हुआ है मुझे ना पता, और आप ही जाके उनका लगाए पता। तो किस लिए सो के राजन उठे हैं नहीं, किस लिए सो के राजन उठे हैं नहीं, और आपका फर्ज जो है अदा कीजिए। मुझे कुछ नहीं मालूम कि अभी तक महाराज जी सोकर जगे क्यों नहीं। क्या कहा, महाराज के बारे में आपको कुछ नहीं? नहीं महारानी जी, और आप महाराज जी की धर्म पत्नी हैं, ये आपका फर्ज है, आप खुद जाकर के पता लगाएं कि महाराज जी अभी तक सोकर जगे क्यों नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम यहाँ की देखभाल करना और मैं अपने स्वामी जी का पता लगाने के लिए। ठीक है महारानी जी। बड़ी महारानी जी पता लगाने के लिए गई हैं, और जब वापस आएंगे तो सब कुछ मालूम होगा कि अभी तक महाराज जी सोकर जगे क्यों नहीं। देख रही हूं, ऐसे जब भी मैं अपने स्वामी जी के पास आती तो मुझसे हंसकर कर बातें करने लगते थे, लेकिन आज बात क्या है मुख से कुछ बोल नहीं रहे और इनका चेहरा बिल्कुल उदास है। या मेरे मन कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया, कैसे उदास कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया, रंज गम दिल से सारा आया कीजिए, देख जा
की ये दशा। देखी जाती नहीं आप की ये दशा, राज दिल भीतरी जो बता दीजिए, राज दिल भीतरी जो बता दीजिए। प्रिय बात क्या है? बता दूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। प्रहलाद आप कैसी बहकी बहकी बातें करते, ऐसी कौन सी बात है जो आपके बताने से मेरा दिल टूट जाएगा? प्रहलाद क्या बताऊं, प्रिय ओठ खुलते नहीं। खुलते नहीं और हाल दिल किस जुबां से मैं जारी करूं। हाल दिल किस जुबां से मैं जारी करूं। रानी बिजमा से हारा हूं मैं, एक बचन रानी बिजमा से हारा हूं मैं। सोचता हूं मैं कह कर दिल दुखारी करूं। से कैसा बचन हार चुके प्रिय, जब विजमा को जंगल से महल लाया था तो क्या हुआ? तो उसने जंगल में मुझसे बचन लिया था। कैसा बचन लिया? और उसका बचन अधूरा था और उसने यही मांगा और किस महल में ये क्या देख रहा हूं। प्रिय आप गर्भवती, तुम गर्भवती हो और बिजमा भी गर्भवती है। अब तुम्हारे होने वाले संतान का राज तिलक करूं या कि बिजमा के होने वाले संतान को? प्राणनाथ आप इतनी छोटी सी बात में घबरा गए। प्राणनाथ मुझे तो अत्यंत खुशी है कि बिजमा के होने वाले लाल को आप ताजो तक का मालिक बनाए। मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। इसके साथ साथ मैं सर्तनामा लिख सकती हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। बाप रे, तुम्हारा दिल कितना दया से भरा है। प्राणनाथ क्योंकि वो मेरी एक छोटी बहन के समान और मेरी ही वजह से आज इस राजमहल में आई। लेकिन प्रिय बिजमा का कहना कुछ और है। क्या कहना है, आप बताते क्यों नहीं? बिजमा का कहना है कि ये महल छोड़कर तुम हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। प्रिय मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं तुम्हें।
भागन के ऊपर न ये जुल्म ढाओ। भागन के ऊपर न ये जुल्म ढाओ, पड़ी रहने दीजे न घर से निकालो। सोचिए बहुत मजबूर हूँ प्यारी, बहुत मजबूर हूँ प्यारी, तुम्हें महल छोड़ जाना है। इस महल में तुम नहीं मुखड़ा दिखाना है, आज से इस महल में तुम नहीं मुखड़ा दिखाना है। ये महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, चली जाओ प्रिय, चली जाओ। प्रहलाद आप ये क्या करें, कुछ तो सोचिए, इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, मेरा सहारा देने वाला कौन है प्रहलाद, मुझे अपनी नजरों से जुदा। तुम इस महल को छोड़कर नहीं जाओगी तो याद रखो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। प्रहलाद आपकी खुशियों के लिए ये महल तो क्या, मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी। अगर ऐसी बातें तो जाते जाते आप मुझे कैसी निशानी दीजिए ताकि मैं जहां भी रहूं उसी के सहारे अपनी जिंदगी को बिता सकूं। प्राणा अपनी जिंदगी ठीक है, जब ये बात है तो तुम्हें निशानी दूंगा। ये मेरी शमशीर है, हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती है, इसमें विधवा का कोई अधिकार नहीं है, और तुम्हें रक्षा हेतु दे रहा हूं, इसी के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत कर देना। लो प्रिय और क्या दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि तुम चाहे जहां रहो हमारा दिल तुम्हारे पास रहेगा, तुम हमारी हो, हमारी ही रहोगी।
पुत्रहना लीजिए इस ताज को बीज महारानी को दे देना, कहना इसे रत्ना ने जाते वक्त तुम्हें तोहफा दिया। ये ताज कितने खुशियों के साथ तुम्हारे सर पर बांधा था और साथ निभाने का वादा किया था, और आज ये ताज तुम्हारे सर से उतरवा लिया। प्रिय जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जाओ प्रिय। बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को ये मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को प्रिय मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए मिलने की भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
रणवीर प्रताप सिंह। महाराज की जय। ये ताज ले जाकर बिजमा को दे दो और कहना बड़ी रानी जाते समय तोहफा देकर गई हैं, इसे कबूल कर ले। लेकिन महाराज जी, बड़ी महारानी जी कहाँ गई है? बड़ी महारानी जी ये महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। क्या? लेकिन महाराज जी, बड़ी महारानी जी ये राजमहल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर क्यों चली गई? मैंने निकाला। क्या महाराज जी, कौन सा इतना बड़ा उन्होंने पाप किया है? नहीं। कौन सी इतनी बड़ी उन्होंने गलती किया नहीं। है? क्योंकि आपने उन्हें राजमहल से बाहर। बड़ी महारानी ने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। फिर राजन क्यों आपने निकाला? विजमा को जंगल से महल लाया था तो जंगल में मुझसे वचन लिया था किस महल में या तो बड़ी रानी रहेगी और या तो छोटी रानी। मुझे दिए हुए वचन पे पछता कर मजबूर होकर बड़ी महारानी को महल से निकालना पड़ा। सुना मंत्री जी? महाराज जी, हमने आपसे उसी वक्त कहा था लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी। आपने मुझसे यही कहा था कि यह गरीब घर की लड़की है, क्या मांगेगी? धन दौलत ऐसो आराम, हम इसे हर तौर से मुहैया कर देंगे। महाराज जी, वचन देने से पहले मैंने आपसे उसी वक्त कहा कि इसका राज पोसीदा है, आप इसे भी आया करवा लीजिए, नहीं वक्त आने पे ये आपसे क्या मांग बैठे और आप देने से असमर्थ हो जाए। महाराज जी, जरा आप सोचिए कि एक जंगल की रहने वाली लकड़हारन आज वो राजमहल में बैठकर ऐसो आराम से अपनी जिंदगी को गुजारे और एक राजमहल में रहने वाली देवी जैसी हमारी महारानी आज वो जंगल की खाक खाने। महाराज जी, आपने उस वक्त हमारी बात को नहीं माना लेकिन जब हमारी बड़ी महारानी जी इस राजमहल को छोड़कर चली गई तो हम लोगों का यहां रहने से क्या फायदा? क्योंकि बड़ी महारानी हम लोगों को अपने बच्चे के समान मानती थी, हमेशा वो हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देती थी और जब हमारी महारानी जी नहीं है तो हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे। आज से हम लोग आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। रणवीर प्रताप सिंह, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो तुम लोग भी साथ छोड़ देना चाहते हो? तुम लोग क्या चाहते हो कि अपना दिया हुआ वचन काट दूं, पुरानी परंपराओं को भूल जाऊं, पुराने वो शूलों को तोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम अपना दिया हुआ वचन जाने नहीं दूंगा। जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, वचन के बदले मैं अपने प्राण दे सकता। आप यह क्या करने जा रहे हैं? महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपको कुछ भी होते हुए मैं अपने आंखों के सामने देख नहीं सकता। महाराज जी, आपका नमक हमारे इन शरीर के हर रगों में है, समाया हुआ है। महाराज जी, हमारी गुस्ताखी माफ हो, आपके खुशी के लिए ये ताज तो क्या चीज है, मैं अपना गर्दन भी कटा सकता हूँ। हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। रणवीर प्रताप सिंह, ये ताज
बिजमा के पास पहुंचा दो, क्योंकि ये बड़ी रानी का दिया हुआ अमानत है, मैं अपने पास रखना नहीं चाहता, अपने हाथों से बिजमा के सर पे ये ताज बांधना नहीं चाहता। उसने हमारी हर खुशी को छीन लिया, मैं उसके करीब जाना नहीं चाहता, उसकी शक्ल से नफरत है। ये ताज बिजमा के करीब पहुंचा देगा। सब के सब गए महाराज के पास, और ये दरबारी देखने गया है कि महाराज बड़ी महारानी को कुछ देते तो नहीं है, लेकिन अभी तक कोई दरबारी खबर लेकर आया नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसके आने का इंतजार करूंगी। स्वागत समारोह का यह अल्पा युवराज महल, और उन सभी का मैं पता लगाऊंगी कि कौन नौकर इस वक्त कहां पे लगा हुआ। यहां मेरे वाली मैं चलते चलते ही इतनी दूर आ गई, लेकिन मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं दिखा। मैं कहां को जाऊं, किसके सहारे जाऊं, इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। सजनवा बैरी होई गए हमारा, सजनवा बैरी होई गए हमारा। सबई कोई बाज चिठिया होई, सबई कोई बाज करमवा कोई न बाजे सबई कोई खेवे नैया कोई, सबई कोई खेवे उमरिया कोई न खेवे हमार। सजनवा इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं दिखा। आज अचानक मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा, मैं कहां को जाऊं, किस किस तो कहा पीछे पीछे रहा, जल्दी जल्दी कहा करी तुम, जल्दी जल्दी चले जल्दी जल्दी चलो, नहीं पता नहीं तोरे बप्पा का हो जाए। आ जल्दी चल, तो हाँ, चला चला को नहीं ये रास्ते में भरे कर रही है, भूख लागे, चलो जल्दी। हे कल्लू के पप्पा, का भाई हिदे हमका रोवे के आवाज ही आवती आए हो। तो ए बैलंदी जब भी चलत तो इधर उधर तोर आदा चकमक चकमक चितवे के है। अरे ये जंगल है, यही के आगे तोर गांव है,
और जंगले में तो आवाज आवाज करा था कोनो शेर बाघ चीता हो चिल्लात हो चिल्ला दे हे कल्लू के बप्पा। हाँ नहीं हमका शेर बाघ की आवाज नहीं लागत भाई, हमका जैसे मेहरारू हसरोवा तो हमका ये ता लागत है। तो ए बैलंडी नहीं के हिया जंगल में मेहरारू कहाँ आई? नहीं है चल के देखते तो चल के। अरे तुम मेहरारू के चक्कर छोड़ो, तुम्हारे बप्पा के तबियत सीरियस है, चलो जल्दी हुआ दिल्ली। नहीं पहले जो रोवे की आवाज आवत यह है पहले एक तर पे चल बे, फिर वो काम बाद में देखा। अभी बिचारी का हमका लागत बहुत तकलीफ यह है कल्लू के बप्पा, चलो चली हो ले। कैसे आवाज आवत है? यही कैसे आवत यह है, चल अच्छा चल देख ले। ये कल्लू के पप्पा का वाह कुछ देखे हो? अरे बिचारी जंगल में अकेली लड़की औरत चिल्ला रही है, इसके आगे पीछे कौन है? चिल्ला नहीं रही है, फिर चिल्लाने का कारण है तबीयत खराब है। तबीयत नहीं खराब यह है, फिर ये अवधान से है, इसके पेट में बच्चा है और हमको लगता है कि बच्चा अभी ही होने वाला है। कौन निर्दयी है जो जंगल में छोड़ दिया और इसका बच्चा होने वाला है, उसे इसकी फिकर नहीं है? ये कल्लू के पप्पा हाँ। ये सब चीज न सोचो हाँ। बिचारी की बहुत तकलीफ है, ओके दुख बांटो। नहीं ये तरह का लफड़ा न पलो, नहीं को देख ले अब न जाना न समझा कैसा का मामला है। एक चक्कर छोड़ चल जल्दी। नहीं कल्लू के पप्पा तबीयत खराब है, ये औरत का हमारे मदद की जरूरत है का, हम छोड़ के जाब ना। हे तो बवाल बनाई है ये कल्लू के पप्पा हाँ। हमार कहा मानो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ती यही हाँ। तय के मदद कह दे हमार, ये औरत के बहुत तकलीफ यह है। एक एक दुख तो का देख नहीं हमसे देख नहीं जाती है, तो बहुत मायारू है। खैर कोनो बात नहीं, लेकिन हम कई कह सकी थी? अरे करे का कुछ नहीं ना है हाँ? या लिहे है ना तो कम्बल आए हम कहा ठंडाई तो ओढ़ लीन जाए हाँ। यही का तुम तान लियो, आगे हम सब देखभाल ले ठीक है? ठीक है तय की देख ले लेकिन जल्दी कहे आओ। बड़ी खुशी की बात है। का भरे कल्लू भाई? ए बेटावा भावा बेटावा हाँ। बड़ी खुशी की बात है, अगर तो मैं आती ना तो पता नहीं लड़का का हो जाता हाँ। लेकिन ये बताओ का लड़का के माई का हाल है? ए हाँ लड़का के माई सही है, ठीक है भले है। एक हटा दे हाँ, एक हटा दियो देख देख वो कहीं देख कहो तो गड़बड़ी नहीं ना? नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हटा दे हाँ हटा दे। बहन बहन ए बहन आओ, घबराओ नहीं बहन। बहन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। देखो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने तुम्हें एक छोटा सा बच्चा दिया है। हाँ बहन ये आपका बच्चा है। और बहन हम इसी रास्ते से जा रहे थे और तुम्हारा दुख दर्द हमसे देख न गया, और मैं हमारे कलुआ की माई को बहुत दया आ गई और इसने कहा कि तुम्हारी मदद हम करें, और हमसे जो हो सका बहन हमने तुम्हारी मदद किया। अब हम जल्दी में है क्योंकि हमारे कलुआ की माई के बाप के तबीयत बहुत खराब है, अब हम जाना चाहते हैं और तुम जितनी जल्द हो सके इस जंगल से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ एक से एक खतरनाक जानवर रहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? आपने मुझे सहारा दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन ये तो हर इंसान का फर्ज होता है, जो हमारा फर्ज था वही हमने किया है। बहन
आप दोनों प्राणी न होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मेरे बच्चों को क्या। नहीं बहन, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, ईश्वर सबके साथ है, भगवान सबकी मदद करता है बहन, घबराना नहीं चाहिए। कलवख माई, हाँ। चल रहे तोरे पप्पा की तबीयत बहुत खराब है, अगर कवनो बात हो गई तो सारा हम ही का इल्जाम। चलो कल्लू के पप्पा, चलो बहन बहन हम चलते हैं, और जितनी जल्दी हो सके तुम चली जाओ अपने घर। हाँ ठीक है, चलो कल्लू के पप्पा, चल रखिए रखिए, चल रखिए, हाँ चलो। या भगवान, आज मेरे एक छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ। या मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब जो कि आज बियाबान जंगल में पैदा हुए हो। अगर आज राजमहल में पैदा हुए हो तो ना जाने कितनी खुशियां मनाई जाती, ना जाने कितना धन दौलत लुटाया जाता। लेकिन मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब हो जो कि आज बियाबान जंगल में पैदा हुई। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रादुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रादुलारा। मेरे लाल में तुझको पाया, मेरा बना सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रादुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रादुलारा। या मेरे वाली, आज से मैं अपने बेटे का नाम गोविंदा रखती हूं। जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला।